ध्यान लगा के पढ़ना। हाँ भैया। कोई कोई तकलीफ हो तो पैसे मंगवा लेना मुझसे। अच्छा। हाँ। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री को कई बड़ी और हिट फिल्में दी हैं। अमिताभ बच्चन की सभी फिल्में हिट से लेकर सुपरहिट साबित हुई हैं। स्वागत है आप सबका अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर में। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म खुद्दार एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रवि टंडन ने किया था। फिल्म के संगीत निर्देशक राजेश रोशन हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, विनोद मेहरा, परवीन बॉबी, प्रेम चोपड़ा, महमूद, बिंदिया गोस्वामी और तनुजा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। ये फिल्म उस साल की चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को अमिताभ ने अपने दोस्त और फिल्म एक्टर और कॉमेडियन महमूद अली के भाई अनवर अली को आर्थिक तौर पर उभारने के लिए बनाई थी। जब अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब अनवर अली ने अमिताभ को रहने के लिए छत दी थी, साथ ही उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी किया था। जब अनवर अली ने अमिताभ से कहा कि वो उनको लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं तो अमिताभ फौरन राजी हो गए। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अनवर अली हैं। बात करें इसकी कहानी की तो ये तीन भाइयों की कहानी है जो एक साजिश के चलते बिछड़ जाते हैं लेकिन किस्मत उन्हें फिर से मिला देती है। खुद्दार का आगे जाकर तमिल में पड़िक्का धवन नाम से और तेलुगु में ड्राइवर बाबू नाम से रीमेक हुआ। बता दें कि अमिताभ बच्चन की ज्यादातर फिल्मों के रीमेक्स साउथ में हुए हैं। फिल्म के राइटर हैं कादर खान और इसके संगीतकार हैं राजेश रोशन और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। खुद्दार जब रिलीज हुई थी तब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। वो कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए थे। तो ये थी अमिताभ बच्चन की फिल्म खुद्दार। ऐसे ही आगे हम आपको उनके करियर में की गई हर एक फिल्म के बारे में जानकारी देंगे। या तुम उस आदमी के साथ काम करोगे और या फिर इस घर में रहोगे। मैं इस घर से जा रहा हूँ। तो हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।